इस वक्त हम मौजूद है हरियाणा के महेंद्रगढ़ के कनीना के उसी इलाके में जहां सुबह एक बड़ा दर्दनाक स्कूल बस हादसा हुआ जिसमें 6 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल इस रास्ते से स्कूल बस जो है वो सुबह आ रही थी और उसके बाद ये जो पीछे आप मोड़ देख रहे हैं इसी मोड़ के ऊपर एक तरह से जो स्कूल बस है उसका नियंत्रण जो है वो नहीं रहा और उसके बाद वो बस इस पेड़ से जाकर के जा टकराई और उसके बाद एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें कि बस पलट गई और उस वक्त बस में करीब 40 से ज्यादा जो छात्र हैं वो मौजूद थे और वो सभी इस हादसे का शिकार हो गए और मौके पर ही जो 5 बच्चे हैं उनकी मौत हो गई जबकि इलाज के दौरान एक और छात्र ने तोड़ दिया। इसके अलावा काफी सारे जो छात्र हैं वो घायल हैं जिनका अलग अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है। करीब 12 छात्र ऐसे हैं जिनका रेवाड़ी के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, बाकी जो छात्र हैं उनका महेंद्रगढ़ के निजी और सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस वक्त जो आप सड़क के ऊपर ये कांच जो बिखरा हुआ देख रहे हैं ये उसी बस के है और जिस जो बस इस हादसे का शिकार हुई, जो सड़क के ऊपर आप ये निशान देख रहे हैं ये खून के निशान है। जो छात्र उस बस के अंदर मौजूद थे जब घायल हुए इस हादसे के बाद और ये पूरी तरह से जो चीजें बिखरी पड़ी हैं ये उस बस की निशानी है जो बस इस हादसे का शिकार हुई। बताया ये जा रहा है कि जब ये हादसा हुआ उस वक्त जो स्कूल बस का जो चालक था वो शराब के नशे में था जिसकी वजह से ये बड़ा एक हादसा हुआ और कई घरों के चिराग बुझ गए। इस वक्त काफी लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं जो कि उस वक्त यहाँ रहे होंगे, उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं। आप बताइए क्या हादसा, किस तरह से हुआ था ये हादसा पूरा? ये सुबह करीब 8:30 बजे का टाइम था, धनौंदा की साइड से बस आ रही थी और इस पेड़ में टकराई। जो मुझे जानकारी, मैं हाजिर नहीं था, जो मुझे जानकारी मिली और वो टकरा के पलट गई बस। पलटने के बाद पड़ोस में यूरो स्कूल है, इसका पूरा स्टाफ बच्चे आकर के अपनी बसों में बस उठाई पहले, फिर अपनी बसों में शिफ्ट करके उनको हॉस्पिटल पहुंचाएगा। क्या जो ड्राइवर है वो शराब के नशे में था या फिर क्या? लोग बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं, भाई बताएगा। आप बताइए आप यहाँ थे, क्या कुछ देखा आपने? भाई बिल्कुल लाइव थे यहाँ पे। बस की स्पीड होगी कम से कम भी 120 और बस का कंट्रोल बिगड़ चुका था वहीं से। बस ऐसे ऐसे आई, उसने यहाँ मारी सीधा इस पेड़ से, पीछे की बस टकराई, ओनली पीछे की, आगे की बस बिल्कुल सेफ थी। जैसे टकराई बस यहाँ पे पलटी मार गई, बस के नीचे 4-5 ऑन द स्पॉट बच्चे खत्म हो गए थे यहीं पे। फिर यहाँ पे आवाज़ ऊज लगाने पे ये यूरो के स्टाफ आ गया, ये एपड़ गोदाम से बंदे आ गए थे तो वो बस उठाई हमने और फिर बच्चे निकाले। बिल्कुल, तो जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि स्पीड में ये बस थी और जो चालक है वो नियंत्रण इस बस के ऊपर नहीं रख सका जिसके बाद ये पूरा हादसा हुआ और उसमें कई छात्र जो हैं वो एक तरह से उनकी मौत होगी जबकि अभी भी कई छात्र ऐसे हैं जो घायल हैं जिनका अलग अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि उसके इस हादसे के बाद शिक्षा मंत्री खुद जो है कई छात्रों से मिल चुकी है, अस्पताल का दौरा भी कर चुकी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आज छुट्टी का दिन था बावजूद इसके स्कूल खुली हुई थी। तो ऐसे में क्या सिर्फ अकेले ड्राइवर को दोषी माना जाए या फिर स्कूल प्रबंधक के ऊपर भी कोई कार्रवाई की जाएगी क्योंकि छुट्टी के बावजूद भी इस स्कूल को खोला गया था। धर्मवीर शर्मा, न्यूज 18, कनीना, महेंद्रगढ़।